साल नौकरियों का साल है, अब भी जो घर पे बैठे हैं रजाई में दुबक के, उन लोगों का कुछ नहीं कर सकता भगवान भी। किस्मत भगवान जब लिखते हैं ना, तो वो साथ में लिखते हैं कि मेहनत भी करनी पड़ेगी। किस्मत अकेली किसी को नहीं चमका सकती, बिना मेहनत के किस्मत कभी नहीं चमकती, मेहनत करनी पड़ेगी। वो बाय चांस पास होने वाले ये हैं 38 से 49 वाले, जो मेहनत करके आगे बढ़े हैं ना, वो फर्स्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर के लॉबिंग शुरू हो गई है। जी हम आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के अधिसूचना है वो 3 दिसंबर को जारी होगी और 3 दिसंबर से ही नामांकन पत्र भरे जाएंगे, जो कि 10 दिसंबर तक भरे जाएंगे। उसके बाद 11 को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और 13 दिसंबर को नामांकन पत्र वापिस लिए जा सकेंगे, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो 20 दिसंबर को मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन मतगणना होगी, यानी कि रिजल्ट है वो उसी दिन आ जाएगा। हम आपको बता दें कि 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य का राज्यसभा में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास 48 विधायक हैं और इसके साथ साथ 3 निर्दलीय विधायकों का भी सरकार को समर्थन प्राप्त है, यानी कि उनके पास 51 विधायक हो जाते हैं। अभी इनेलो ने पत्ते नहीं खोले हैं, जिनके 2 विधायक हैं और 37 विधायक है वो विपक्ष के पास है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है और ये राज्यसभा की सीट 2028 तक ये सीट रहने वाली है। हम आपको बता दें कि इसराणा से विधायक बने कृष्णलाल पंवार, वो विधानसभा में पहुंच गए और हरियाणा सरकार में वो मंत्री बने। और हम आपको ये भी बता दें कि कृष्णलाल पंवार ने 14 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था राज्यसभा से, और वो अनुसूचित जाति के भी भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी वंचित समाज को ये सीट देना चाहेगी तो जो लोग लॉबिंग कर रहे हैं उनको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, यानी कि उन्होंने लॉबिंग अपनी तेज कर दी है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो और नाम है, जिसमें रामविलास शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है, रामविलास शर्मा ने को विधानसभा में बेशक उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने उनको ये कहा था। और इसके साथ साथ चाहे हम बात कर लें सुनीता दुग्गल की, सुनीता दुग्गल भी वंचित समाज का चेहरा है जो कि राज्यसभा में भेजा जा सकता है, क्योंकि सुनीता दुग्गल को लोकसभा का टिकट उनका काटा था सिरसा से, और उसके बाद हालांकि विधानसभा में उनको चुनाव लड़ाया था रतिया विधानसभा से, लेकिन वो हार गई थी। और एक चेहरा है मोहनलाल बड़ोली, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि उन्होंने कहा था कि जिसका नाम चलता है भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं होता है, वो राज्यसभा में नहीं जाएगा, उन्होंने ये बयान पिछले दिनों दिया था। इसके साथ साथ ओम प्रकाश धनखड़ हैं, धनखड़ साहब भी चुनाव हार गए थे और धनखड़ साहब को भी भारतीय जनता पार्टी जाट चेहरे के तौर पर उनको राज्यसभा में भेज सकती है। इससे पहले हालांकि किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा था। अब हम आपको बता दें कि इस राज्यसभा के इस चुनाव को लेकर के लॉबिंग है नेताओं ने दिल्ली में शुरू कर दी है, और ये अभी 10 दिसंबर से पहले तय हो पाएगा कि कौन इस कोटे से राज्यसभा में जाएगा। और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी नामांकन दाखिल करेगा उसका राज्यसभा में जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के, जो नाम हमने आपको बताए थे कुलदीप बिश्नोई, रामविलास शर्मा, मोहनलाल बड़ोली, ओम प्रकाश धनखड़ और सुनीता दुग्गल, इन नामों से आप कितने कन्फर्म हैं कि इनमें से कौन चेहरा राज्यसभा में जा सकता है, या भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों के अलावा किसी अन्य चेहरे को भी मौका दे सकती है, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।